बिग बॉस फिनाले की तारीख नजदीक आने के साथ साथ घर वालों के घर वाले भी अब उनकी जीत के रथ को आगे बढ़ाने में लग गए हैं। हर किसी के परिवार वाले उनके सपोर्ट में अब खुलकर सामने आ रहे हैं। बात करें अगर शो की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रश्मि देसाई की, तो इस वक्त उनके दोनों भाई गौरव और मृणाल उन्हें जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गौरव और मृणाल दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रश्मि से जुड़ी कई बातों पर चर्चा की। तो चलिए आपको हम भी बताते हैं रश्मि के इन दोनों भाइयों के उन तीन बड़े खुलासों के बारे में जो इन्होंने फिनाले से पहले किए हैं। पहला खुलासा, सिद्धार्थ के साथ झगड़े पर क्या बोले भाई। जी हाँ, बिग बॉस में सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर बात की गई है तो वो है सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का झगड़ा। लेकिन अरहान के घर से जाने के बाद दोनों के रिश्ते में सुधार आया है। दोनों एक दूसरे से अब अच्छे से बात कर रहे हैं। ऐसे में जहाँ ऑडियंस ये समझ नहीं पा रही कि आखिर अचानक दुश्मन से दोस्त कैसे बन गए ये दोनों, तो वहीं रश्मि के भाई मृणाल और गौरव ने दोनों के झगड़े पर खुलकर बात की और कहा कि घर से निकलते ही इन दोनों की दोस्ती भी हो सकती है। आप खुद सुनिए मृणाल और गौरव क्या कहते हैं। तो उनके लिंकअप्स होना बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज दे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सच स्ट्रॉन्ग दैट पीपल स्टार्ट रिलेटिंग दैट दे आर कपल। एंड ये कहीं ना कहीं मिस जजमेंट हो जाता था कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है या ऐसा है। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन आई थिंक सो रश्मि एंड सिद्धार्थ आर स्मार्ट इनफ इन द हाउस दैट बिफोर दे कम आउट ऑफ द हाउस दे विल क्लेरिफाई एवरीथिंग एंड क्लियर ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश फ्रेंडशिप। Some places, yeah, he has supported them. I think now they've, you know, they've settled their egos and everything. So let's see what happens. And I feel genuinely ki aap ek insaan se ek bar gussa ho sakte ho. The kind of person Rashmi is, Rashmi also forgives and lets go of things. So ek hi ghar mein pichle 12-16 hafte hone aaye, to mere khayal se ek hi ghar mein hai, to wo gile shikwe kitne dur tak hum rakh sakte hain. तो Rashmi is also just letting it go and that's what I said that by the time they come out of the house I think so everything will be a fresh bond and they'll start a new friend. दूसरा खुलासा, अरहान की पोल खुलने से खुश है परिवार। जी हाँ, अरहान की सच्चाई दुनिया के सामने खुलने के बाद Rashmi ने जिस तरह खुद के लिए स्टैंड लिया है उससे उनका पूरा परिवार खुश है और इस ब्रेकअप से भी। आप खुद सुनिए इस पर क्या कहा Rashmi के भाई गौरव ने। Just to even meet you, I met Arhaan I think twice before, like after Bigg Boss. Even I didn't know about so much things. मुझे तो लगा Rashmi को इतना भी नहीं पता, this is a bigger shock for me. But yeah, in that sense we are thankful to Bigg Boss. तीसरा खुलासा, कौन होंगे टॉप थ्री कंटेस्टेंट। जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ Rashmi के भाइयों ने सिद्धार्थ और अरहान पर खुलकर बात की, तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनके मुताबिक शो के तीन फाइनलिस्ट कौन होंगे। आप भी सुनिए क्या कहा इन्होंने। I definitely feel it's Siddharth, Rashmi and Asim. I would like Siddharth, Sana and Rashmi. Why Sana and why? I like Sana. I've already said before that Sana is my best. Like, I love the way she's entertaining. तो ये है वो तीन खुलासे जो Rashmi के भाइयों ने किए हैं। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि Rashmi के भाइयों का ये साथ और उनकी ये अपील जनता को कितना रिझा पाती है, क्योंकि ये फिनाले की टक्कर तो कांटे की चल रही है।